हाय एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हमारे यहाँ हुई है बारिश, ठीक है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम बारिश हुई है इतनी अच्छी। अभी हालांकि थोड़ी मोड़ी पहली बारिश हुई थी, पर उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी अच्छी आज हुई है। तो आज मैं बारिश के बहुत मज़े लिए भीगी बारिश में, और मैं वीडियो बना लेता उस बारिश में, लेकिन क्या करूँ, मेरे कैमरे पर बार बार पानी आ जा रहा था और इसलिए बना नहीं पा रहा था मैं। और मेरा मतलब हाथ भीगे होने की वजह से फ़ोन काम भी नहीं कर रहा था, फ़ोन का स्क्रीन, इसकी वजह से बना नहीं पाया। निकला तो था वीडियो बनाने के लिए ही, ब्लॉग बनाने के लिए, आप लोग को भी दिखाऊं कि बारिश में भीगना कैसा लगता है, मुझे कैसे लगता है, पर दिखा नहीं पाया, ठीक है। तो बारिश बंद गई तो फिर मैं बाहर निकला फ़ोन को अपने साफ़ वाफ करके, अब दिखाऊँगा मैं कि बारिश बंद होने के बाद व्यू कैसा था। मैं सोचता हूँ बारिश हो जाए, हो अभी अभी फिर से स्टार्ट हो, ताकि मैं दिखाऊँ कैसे भी करके, इस बार दिखा दूँ बारिश होते तो। और मैं अभी हूँ फिलहाल अपने आम के पेड़ के नीचे, ठीक है। मैं आप अपने आम के पेड़ का व्यू भी दिखाता हूँ आपको, कैसा है मेरे आम का पेड़ का व्यू, ठीक है। तो चलो और दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे आम का व्यू, मतलब कितना फर्क हुआ गाइस। व्यू तो आप देख ही लो पहले, और देखो कितने पेड़ पे आम लगे हुए। एक बार तुम यहाँ पे क्लोज कर, अभी नीचे के सारे यहाँ पे सब आम लगे हुए थे भाई, सब ये सब आम लगे हुए थे भाई, सब कल के तोड़े हुए हमने, मतलब अब यहाँ पे पकाने के लिए तोड़ के सब रखा गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने आम फरे हुए चारों तरफ, कहीं भी भाई कहीं भी तुम्हें एक भी ऐसा डाल या कंछी नहीं मिलेगा तुम्हें। और वो देखो गाइस, ये 100% आम पका हुआ है। अगर मैं इसको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, ये आम 100% पका हुआ मुझे लग रहा है, ऐसा मैं 100% बोल नहीं रहा हूँ, बट लगता है ऐसे देख के भी पका ही हुआ है। और ये एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, तोड़ के दिखाता हूँ तुम, वेट करो। और ये हमारे आम के नीचे का व्यू, ये लोग आप देख ही सकते हो, ठीक है। कोई कंछी लेके आता हूँ मैं, ये बड़ी बड़ी डहनियाँ से तो नहीं तोड़ सकता है ना, रुक जाओ। और ये गाइस हमारे जामुन का पेड़ जो ख़त्म हो चुका है, नीचे अभी तक गिरे हुए तुम देख सकते हो। वेट गाइस, वेट वेट वेट, जस्ट हम उठाते हैं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये अच्छा है, ठीक है। बाकी तो मैं पहले ही इधर रख देता हूँ उसको, गाइस वो आम कहाँ गया देखो, हम लाते दस टहनी और इसको एक बार हिला के देखते हैं, कई नहीं पका यार, और मेरे हिसाब से इसको पका होना चाहिए। एक और मैंने देखा था शायद, इसको कैसे भी नीचे अगर आ जाए तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये पक्का है या नहीं है। एक सेकेंड गाइस, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा, नहीं यार वो नहीं पका है, बट वो नहीं पका है, बट एक और चीज, एक वो कैंसिल, पर एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने देखा अभी, जस्ट एक मिनट, बाहर से मुझे देख क्या रहे क्योंकि अंदर से दिख नहीं रहा। और ये भी पका है देखो गाइस, देखो ये पका है, गिर गया मेरे भाई, गिर नहीं रहा भाई, ये पके होने के बावजूद भी नहीं गिर रहा, तो मतलब समझ जाओ वो रहा, वो थोड़ा सा काफ़ी ऊपर यार, थोड़ा काफ़ी रही, ये बीच में गड्ढा है ना, इधर से दिख नहीं रहा मुझे उधर से जाने पे, दिखता हूँ ट्राई करता हूँ यहीं से। एक तो गिर गया भाई, क्यों बेइज्जती कर बार, देखो भाई आ गया गाइस, ये रहा आम और ये पानी है साफ, ठीक है, जो बॉटल में भर के रखा गया है। अब ये हो गए बारिश के मज़े, ये पानी साफ़ है, इसको बॉटल में मजाना,
पानी आम धोने के लिए रखा है, और ये गया पानी से आम धुला क्योंकि नीचे भी गया था और मिट्टी लगी थी, और हाथ में भी मिट्टी लगी है तो हाथ को भी धो लेते हैं जल जैसे भाई। और ये हुआ खत्म गाइस, अब देखते हैं आम के मजे। ठीक है तो हाथ भीज गया, उगन उठाने में भी टाइम लगेगा अब क्योंकि हाथ भीजा हुआ पहले से ही। तो गाइस हमने एक आम पका हुआ आम हमने एक तोड़ लिया है, जिसे अब हम खाएंगे और खाते वक्त आपको भी दिखाएंगे गाइस। ठीक है तो मैं पूरे आम का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है पूरे मतलब पूरे घूम के, और ये हमारे खेतों का व्यू देखो आप कितना अच्छा व्यू है यार। बारिश होने के बाद जो व्यू बनता है ना, मतलब खेतों टाइप खेत एरिया में जितनी होती है और गाँव टाइप में एरिया जितना होता है वहाँ के अगर देखा जाए व्यू बारिश होने के बाद तो काफ़ी अच्छी व्यू बनती है। देखने को आप दूर से देखो अभी ये सब नीचे के आम कल के तोड़ के घर पे रखे हुए हैं, सब के सब आम भरे हुए थे गाइस, सब नीचे मतलब नीचे जितना ना सब लटका हुआ था आम। और ऊपर से भी देखो चारों तरफ, अगर मैं बात करूँ चारों तरफ दिखाने की तो चारों तरफ यही व्यू, मैं दिखा देता हूँ उस व्यू उधर से भी जाकर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है एक सेकंड में गाइस किसी भी एंगल से आप देखो, किसी भी एंगल से तो सेम फरा हुआ आम मिलेगा तुम्हें सेम। ये नहीं कि ऐसा कि एक ही तरफ फरा हुआ है, चारों एंगल से एकदम सेम आम भाई। ये भी पका हुआ है क्या, ट्राई करूँगा इस पे छोड़ो ऊपर है काफ़ी क्या उसको परेशान कर देखो। और अब बारी है उस पके हुए आम को खाने की जो हमने तोड़ा था गाइस। ठीक है अब इसको स्वाद लेते हैं। बारिश में आम के स्वाद कैसा लगा गाइस, सोचता हूँ हीटर लग दूँ बारिश में आम के स्वाद है ना। चलो गाइस देखो बहुत मीठा है, तुम विश्वास नहीं मानोगे, तुम्हें खाना है ना गाइस तो आओ मेरे पास मैं तुम्हें खिलाता हूँ। बहुत मीठा है तुम सोच भी नहीं सकते कितना मीठा हुआ मैं। ठीक है और ये जो अभी मेरा पेड़ है आम का, यहाँ पे मेरे गांव में जितने सारे पेड़ हैं सारे के आम, सारे पेड़ों के आम ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ मेरे पेड़ पे आम बचा हुआ है सिर्फ मेरे पेड़ पे गाइस। मेरा बगीचा भी है आम का, उसने भी ये सारे आम ख़त्म हो चुके, वो तो मई के महीने में ही ख़त्म हो चुका। अब तो यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हो गया, कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है अब ये वीडियो ये 30 डेट का वीडियो बना रहा हूँ, कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा गाइस। पूरा मतलब मेरे पेड़ पर भी आम बचा हुआ क्योंकि ये सबसे लास्ट में पकता है, इसलिए ये बचा हुआ है। अगर इसे हमें बेचना होता तो हम तोड़ के रख के पका के उसे बेच देते, लेकिन हमें खाना था तो इसलिए हमें छोड़ा हुआ है। लेकिन अब कितना खाएंगे यार, इतना हमें कितना खाएंगे तो हमें बेचना ही पड़ेगा। कुछ नीचे नीचे जितने मैंने बताया कि टूटा हुआ है आम, तो हमने उसे तोड़ के रखा है, उसको पकाया जाएगा, पका के बेचा जाएगा। ठीक है तो गाइस आम खाओ और वीडियो के मजे लो। अगर तुम्हें भी खाना है तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें आम खिलाता हूँ। ठीक है बाय बाय।